मित्रों, ये तो हम सभी को पता है कि महादेव के दो पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय थे, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भगवान शिव की तीन पुत्रियां भी थी, जिनका नाम मनसा देवी, ज्योति और अशोक सुंदरी था। तो आज हम इन्हीं से संबंधित आपको एक कथा सुनाने वाले हैं, जिसमें भगवान शिव को बटुक अवतार लेना पड़ा। तो उसके लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार हुंड नामक एक दैत्य ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तप करके अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर लिया था, और शक्तियों को प्राप्त करने के बाद उसे अपने ऊपर अत्यंत अहंकार हो गया। वह अपनी शक्तियों का अनुचित लाभ उठाकर ऋषियों और देवताओं को व्याकुल करने लगा। देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करता देख अशोक सुंदरी अत्यंत क्रोधित हुई, और उन्होंने राक्षस हुंड को अपनी बाल्यावस्था में ही श्राप दे दिया कि तुम्हारा वध मेरे होने वाले पति नहुष के द्वारा ही होगा। इसके बाद राक्षस हुंड अशोक सुंदरी से कहता है कि नहुष मेरा वध करे, उससे पहले ही मैं उसका वध कर दूंगा। हुंड के मुख से यह बातें सुनकर नहुष की रक्षा करने के लिए अशोक सुंदरी माता पार्वती के पास मदद मांगने के लिए जाती है। तब माता पार्वती उनसे पूछती है कि पुत्री, तुम्हारी मुख पर इतनी चिंता का भाव कैसा है। इसके बाद अशोक सुंदरी हुंड के संदर्भ में सब कुछ माता पार्वती को बताती है, जिसे सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती है और वह अपना महाकाली रूप धारण करती है। किंतु यदि हुंड का वध माता महाकाली के हाथों होता तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाता, क्योंकि अशोक सुंदरी द्वारा हुंड को श्राप के फलस्वरूप उसकी मृत्यु नहुष के द्वारा लिखी जा चुकी थी। इसलिए सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव महाकाली का क्रोध शांत कराने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी माता महाकाली को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु वे इसमें असफल रह जाते हैं, और माता काली के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण संसार भयभीत होने लगता है। समस्त जगत में त्राहि त्राहि मच जाती है। तब सभी देवता माता के क्रोध से भयभीत होकर उसे शांत कराने के लिए भगवान विष्णु के पास मदद मांगने को जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु भी जाकर माता को शांत कराने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, परंतु वह भी इसमें विफल रह जाते हैं। तब सभी देवता परेशान होकर आखिर में भगवान शिव के पास जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव माता के क्रोध को शांत कराने के लिए उनके समक्ष जाते हैं, लेकिन वह भी इसमें असफल रह जाते हैं। इसके बाद सभी देवता एक साथ में आकर विचार विमर्श करने लगते हैं। तब भगवान शिव के मन में बटुक अवतार धारण करने का विचार आता है, और सभी देवता भी इस पर अपनी सहमति दिखाते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपना बाल रूप धारण कर लेते हैं और माता काली को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं, जिसे देखकर माता काली सोचती हैं कि यह बच्चा मेरे रौद्र रूप को देखकर भयभीत होकर इतनी जोर जोर से रो रहा है। इसके बाद माता उस बच्चे को अत्यंत प्रेम से अपने पास बुलाती है। तत्पश्चात माता का क्रोध शांत हो जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। तब भगवान शिव भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो मित्रों, इस तरह महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव को बटुक अवतार धारण करना पड़ा था। तो अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से करें, और हाँ, कमेंट में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव।